संत गाड़ के महाराज की जयंती, श्री संत गाड़ के जयंती के उपलक्ष्य में चल रही रामधुन का हवन पूजन एवं भंडारे के साथ हुआ समापन। पवई के समस्त रजक समाज द्वारा माँ कलेही मंदिर परिसर में संत गाड़ के जयंती के अवसर पर अखंड रामधुन का आयोजन किया गया था। आज बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई श्री संत गाड़ के महाराज की जयंती। आज मुख्य अतिथि रही भाजपा नेत्री अमिता बागरी ने कहा कि संत गाड़ के महाराज का जन्म महाशिवरात्रि पर्व के पावन अवसर पर महाराष्ट्र के प्रांत के जिला अमरावती की तहसील दरियापुर में 23 फरवरी वर्ष 1867 में हुआ था। उन्होंने कहा कि महाराज का कहना था कि बिना परिश्रम किए किसी व्यक्ति को एक दाना नहीं खाना चाहिए। वहीं संजय नगायच कहा कि जब तक हम शिक्षित और संगठित नहीं होंगे तब तक शोषण बंद नहीं होगा। इस मौके पर जिले के लगभग 72 गाँव से समाज के लोग उपस्थित रहे और सभी का सहयोग रहा और बड़ी संख्या में रजक समाज के साथ गांव मोहल्ले के धर्म प्रेमियों ने हिस्सा लेते हुए धार्मिक आयोजन का आनंद लिया। 22 फरवरी को अखंड रामधुन का आयोजन किया गया तथा रजक समाज धर्मशाला में विशाल भंडारे का 23 फरवरी को आयोजन किया गया था, जिसमें रजक साथियों सहित नगर के भक्तों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया एवं कन्या भोजन के उपरांत सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। आज रामधुन के समापन के बाद धर्मशाला परिसर में श्रद्धालु और हवन पूजन के साथ पूर्णाहुति किया गया। इस पूर्णाहुति के बाद परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, साथ ही संत गाड़के की जयंती मनाई गई। अखंड रामधुन से नगर सहित आसपास के परिसर में ज्ञान गंगा का रसपान करने का नगर के धर्म प्रेमियों को अवसर मिला, साथ ही साथ भंडारे में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।